बदलाव हो रहा है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, क्योंकि आपके कुछ टेलीविजन चैनल में रियल टाइम डेटा नहीं आ रहा। अभी हम 86 सीट पे लीड कर रहे हैं इंडिविजुअली, लेकिन वहाँ आ रहा है 66। हम सीधे अपने वार्ड रूम से जहाँ वहाँ बात कर रहे हैं। आप सबने सुना होगा कि चुनाव आयोग ने कहा कि मात्र 80 लाख वोट की काउंटिंग हुई है, 4 करोड़ वोट की, 4.25 करोड़ वोट की काउंटिंग होनी, कितनी बची हुई है, गैप नैरो हो रहा है। कम से कम 70 ऐसी सीटें हैं जहाँ माइक की जगह लेना, हेलो, और आपको आपको यकीन के साथ कहते हैं वो दोस्त मिस चंद घंटों बाद आपसे मिलेंगे, ये कहते हुए कि हमने जो कहा था वो कर दिखाया। सिर्फ इतना आग्रह है कि कई लोग इसमें मनोवैज्ञानिक गेम खेलने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं, हमारे उम्मीदवारों से आग्रह है आपके माध्यम से, जीत का सर्टिफिकेट लेके ही निकलिए, हाथ में जीत का सर्टिफिकेट, क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि इस बार काउंटिंग क्यों स्लो हो रही है, उसके पीछे कारण है। इसलिए रियल टाइम डेटा आपका अटका पड़ा रहता है बहुत देर तक की जगह, लेकिन हम लोग इलेक्शन कमीशन के अलावा अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी महागठबंधन के सहयोगियों में सभी बात कर रहे हैं, और आपको यकीन दिला रहे हैं कि ओपिनियन पोल को एग्जिट पोल ने खत्म कर दिया। एग्जिट पोल के बाद आप देखेंगे नतीजे वही होंगे। एक अन्य मार्ग जो ठीक मेरे सामने है, वहाँ बदलाव सुनिश्चित है। चंद घंटों का इंतजार करिए, और ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप परिवर्तन के, आपके आंकड़ों के हिसाब से महागठबंधन कितने पे लीड कर रही है? आप आपको मैं सीधा बता देता हूँ जी, 122 है आंकड़ा जी, उसके ऊपर ये कहाँ रुकेगा जो मैंने पहले कहा था, आज भी दोहरा रहा। अभी कितनों पे लीड कर रही है? अभी जैसे आपने बोला, मैं आपको बता रहा हूँ रियल टाइम डेटा में हम 124 पे, आप लोग सीट जो आपका है पूरी पार्टी कॉन्फिडेंट है। अरे क्या कर रहा है यार, बिहार कॉन्फिडेंट है, क्योंकि बिहार में इस बार रोजगार पे वोट दिया, बेहतर स्वास्थ्य के लिए वोट दिया, पीछे हो जाना बिहार के लोग, नया बिहार करने के लिए दोस्त पीछे पीछे, इसलिए हमारे हम लोग 7% कॉन्फिडेंट है। शायद अभी देर बज रहा है, 7-8 बजे रात तक जब आपके पास आएंगे ना तो ये करते हुए बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है सफलता बोलने लगी है। मनोजी आपको याद है पिछली बार का, उनको सारी मिठाई बाद में राजद कार्यालय में भिजवानी पड़ी।